फाइनली यहाँ पर मैं अच्छी हूँ, आप सब भी अच्छे होंगे। और फाइनली वो वीडियो आ चुकी है, रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो लेके आई हूँ मैं डेकोरेशन के लिए, तो उसी के हिसाब से मैं इसके अंदर चीज़ें बताने वाली हूँ। और सबकी प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड बटन है ना, उसको क्लिक करोगे ना तो वो व्हाइट हो जाएगा, तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन के लिए जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द मेरी पहुँच सके। तो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और रमज़ान प्रिपरेशन वीडियो में मैं लेके आई डेकोरेशन आइडियाज़, और जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको फॉर रमज़ान। तो आप सभी को भी खुशी हो रही होगी क्योंकि रमज़ान इज कमिंग, मतलब 2 दिन ही बाकी हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन आइडियाज़ और उसकी तैयारियां मैं कैसे कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं डेकोरेशन के लिए, रमज़ान के लिए, और मैंने खुद अपने हाथों से भी बनाया है। मैंने आपको इस वीडियो में पूरा दिख जाएगा और हर चीज़ की डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर उन्हें मेंशन कर दूंगी मैं। तो जो जो मैंने चीज़ें मंगवाई हैं ऑनलाइन, तो जो जो साइट से मंगवाई है मैंने, आप तो फर्स्ट आइटम ये वाला है और ये मुझे पड़ा था, इसकी जो प्राइस है मैं भूल चुकी हूँ, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है अच्छी तरीके से, ये 300 समथिंग ही होगा। तो ये है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको दिख ही जाएगा ये इस तरीके से, और यहाँ से ये ओपन भी हो जाता है। मैं इसको ओपन करके बताती हूँ कहाँ से होता है, इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पर कैंडल आप रख सकते हैं और फ्लावर भी रख सकते हैं इसके अंदर, जैसे भी आपको आइडियाज आए आप वैसे कर सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से है। और जो नेक्स्ट वाला है वो भी यही है, बस ये है कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा है ये वाला। तो नेक्स्ट एक और बताती हूँ मैं, 1 मिनट। नेक्स्ट ये है, इससे छोटा वाला, मतलब तीनों साइज के हैं ये। ये भी इस तरीके से ओपन हो जाता है, इसमें कैंडल रख सकते हैं, ये फ्लावर रख सकते हैं, कुछ भी आपको आइडियाज आए तो आप वो रख सकते हैं। तो नेक्स्ट तो ये हो गया। और नेक्स्ट आइटम है, एक स्टूल है, इस तरीके से ये स्टूल है। और ये स्टूल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये फोल्डेबल है, तो आराम से ये फोल्ड हो जाती है, तो इस पर आप कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके की स्टूल है। और नेक्स्ट जो है वो भी इसी तरीके की स्टूल है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये इस तरीके की स्टूल है, ये भी फोल्डेबल है, मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐसे फोल्ड हो जाती है, मैं बाद में करके बताऊँगी, ये फोल्ड हो जाती है, मैं पिक्चर्स लगा दूँगी यहाँ फिर, ये इस तरीके से ये फोल्ड हो जाती है, ये इस तरीके से पूरी फोल्ड हो जाती है ऐसे, और फिर ये ओपन भी हो जाती है इस तरीके से, और ये वुडन की है। तो नेक्स्ट आइटम ये है, लैम्प है, लार्टन जिसको बोलते हैं, और ये मुझे अभी आज ही रिसीव हुआ है, तो मैं इसका ही वेट कर रही थी कि कब वीडियो बनाऊँ मैं। तो इस तरीके से पैकेजिंग में आया है और ये 2 का सेट है। तो इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल सा गोल्डन कलर का है ये, यू कैन सी कितना अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके ये नीचे से ओपन हो जाता है और यहाँ पर कैंडल रख रखी है। तो ये 2 का सेट है और इसकी प्राइस आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मैं स्क्रीन पे भी दे दूँगी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि किस तरीके कितने की प्राइस का है ये, तो इस तरीके से है। और सेकेंड वाला भी इसके अंदर है, वो भी ऐसा कि ऐसा ही है, सेम। और नेक्स्ट आइटम ये है मून, जो मैं कि मैंने अपने हाथों से बनाया है, आपको वीडियोस में दिख जाएगा, मैं प्रॉपर वीडियो डाल दूंगी। इस तरीके से मैंने इसमें स्टार बनाया है, यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल स्टार है। और यहाँ पर मैंने स्टिकर आते हैं वो लगाए हैं और इसमें गोल्डन कलर के स्टिकर लगाए हैं, तो आपको दिख ही रहा होगा अच्छे तरीके से कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इसको हैंग करूँगी इस तरीके से ये, तो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर। ये 2 पॉट मंगाए हैं और इसमें ये ट्री भी लगे हुए हैं छोटे वाले, और बहुत ही खूबसूरत से हैं ये 2, और सबकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मेरी स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो ये वाले 2 का सेट आया था। ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है तो मैं इसको छोटी करके और कट करके बनाऊँगी मैं इसको, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। तो नेक्स्ट आइटम है ये बेडशीट, क्योंकि रमज़ान के लिए मुझे बिछाने के लिए चाहिए थी, तो इसके लिए वाला है, मैं स्किन पे लगा दूँगी इसकी बेडशीट का, इस तरीके से बेडशीट है। इसमें 2 पिलो कवर भी आए हैं और इसकी प्राइस 200 अंडर ही है, तो इस तरीके से है। और सब डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और नेक्स्ट बेडशीट है ये वाली पिंक कलर की, तो इसकी भी पिक्चर्स मैं स्किन पर लगा दूँगी इस तरीके से। ये इसमें भी 2 पिलो कवर आए हैं, ये भी 200 के अंडर है।
और नेक्स्ट बेडशीट है ये वाली पर्पल कलर की, क्योंकि मैंने ये वाले कलर बिछाए नहीं थे तो डेट्स पर मैंने सिर्फ वाले कलर मंगाए। ये वाली पर्पल कलर की, इसकी भी मैं पिक्चर से ना स्क्रीन पर लगा दूंगी। ये तीन बेडशीट मैंने ये वाले कलर बिछाए नहीं थे तो डेट्स पर मैंने सिर्फ वाले कलर मंगाए। ये वाली पर्पल कलर की, इसकी भी मैं पिक्चर से ना स्क्रीन पर लगा दूंगी। ये तीन बेडशीट। तो नेक्स्ट ये रग है मेरे पास ओल्ड, यहाँ का ही है ये, कोटा का ही, तो मैंने इसको रख रखा था तो बस इसको वॉश किया है मैंने। और अब मैं फाइनल लुक आपको बताती हूँ कि इसको डेकोरेशन करने पर तो कैसा दिखता है। तो आपको पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल दिख रहा है ना, और तो अब इसको डेकोरेशन कर लेते हैं, फिर आपको फाइनल लुक बताती हूँ मैं कि कैसा दिख रहा है पीछे का बैकग्राउंड। और वो भी बताऊंगी मैं आपको जो कि मैंने रमज़ान करीम बनाया है लिख के खुद ने अपने हाथों से, बहुत टाइम लगे थे उसको बनाने में, 2-3 घंटे लग गए थे, तो क्योंकि बहुत शेप में काटना था ना मुझे, इस वजह से आपको पूरी वीडियोस के अंदर मिल जाएगी डिटेल में। यहाँ पर मैंने इस तरह का शेप बनाया है और इस तरीके से शेप में ना बहुत सारे कट कर लूँगी मैं, बस मुझे कैंची नहीं मिली है, मैं सोच रही हूँ कैसे कट करूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से सारे सामान लाई हूँ, स्टिकर ये हैं पर्ल वाले और गोल्डन वाले, सिल्वर वाले, ये सारे स्टिकर हैं, ये स्टेशनरी शॉप पे आपको इजीली मिल जाएंगे वहाँ पर। और अल्फ़ाबेट लेके आई हूँ रमज़ान करीम लिखने के लिए, तो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से शेप बना के आपको अपने अकॉर्डिंग ही शेप बना लेना। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से शेप बना लिए हैं और फिर इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी अल्फ़ाबेट, जिस तरीके से नाम वर्ड है ना रमज़ान करीम, बस वही लिख दूँगी मैं इसमें इस तरीके से। लास्ट में मैं बता दूँ आपको इस तरीके से लिखना है पूरा। फिर इसको एक रिबिन आती है ना जो पहले चोटी में ही बांध देते हैं, तो वाले रिबिन से मैंने इसको स्टिक कर दिया है ग्लू गन से। तो इस तरीके से मैंने बना लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर अब मैं स्टार बना रही हूँ और इलियाना भी मेरे साथ हैं और एलिफ भी हैं। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी वीडियोस को देखने के लिए और डेली व्लॉग्स देखने के लिए। तो आई होप आपको मेरा डेकोरेशन अच्छा लगा होगा, मेरी बहुत मेहनत है, बहुत इफ़र्ट है और बहुत दिल से किया है मैंने ये सब कुछ। जो चीज़ें मैंने बनाई भी हैं, कुछ मंगाई भी हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।